इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Vivo Pro कबड्डी सीजन 6 में टॉप 5 रेडर्स कौन होने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम किस स्टेट पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं, किस स्टेट के बेसिस पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि टॉप 5 रेडर्स कौन होने वाले हैं। तो उस स्टेट का नाम है एवरेज रेट पॉइंट्स पर मैच। तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बट मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि अभी जैसे नितिन तोमर नंबर 1 पे हैं टॉप रेडर्स की लिस्ट में, नंबर 2 पर है सिद्धार्थ देसाई। तो ऐसा मत समझो कि नितिन तोमर है 1 पे तो वही 1 पे रहेंगे, नितिन तोमर टॉप 10 के भी बाहर जा सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। टॉप 5 के बाहर तो उनको जाना ही जाना है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नितिन तोमर एक नंबर पे इसलिए है क्योंकि उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, उनकी टीम ने 13 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 12 शायद मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 100 रेट पॉइंट्स लिए हैं। और नंबर 2 पर जो है सिद्धार्थ देसाई, उनकी टीम यूमा ने 8 मैचेस खेले हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 मैचेस खेले और उनके रेट पॉइंट्स हैं 97। तो मतलब सिर्फ 3 रेट पॉइंट्स कम है उनके नितिन तोमर से। तो इससे ये पता चलता है कि सिद्धार्थ देसाई कितना ज़्यादा अच्छा खेले हैं। तो ये तो लगभग 100% कन्फर्म है कि जब 24 मैचेस ख़त्म हो जाएंगे लीग के तो सिद्धार्थ देसाई नितिन तोमर को 100% बीट कर देंगे। तो इससे ये पता चल जाता है कि सिद्धार्थ देसाई आगे निकल जाएंगे। तो नितिन तोमर इसलिए ज़्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं दूसरे रेडर से कंपेयर करने पर। इस लिस्ट में आपको राहुल चौधरी देखने को नहीं मिलेंगे, टॉप 10 के भी लिस्ट में नहीं देखने को मिलेंगे अभी के जो टॉप रेडर्स हैं, क्योंकि राहुल चौधरी की टीम तेलुगु टाइटंस ने अभी तक सिर्फ 6 ही मैचेस खेले हैं, जिसके कारण राहुल अभी तक 51 ही रेट पॉइंट्स ले पाए हैं और वो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। रोहित कुमार नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा रेट्स नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अभी जब सारी टीमें 24 मैचेस खेल लेगी तब देखना यार क्या क्या होता है। नितिन टॉप 5 पे बाहर जा सकते हैं, सिड का तो नहीं लग रहा मुझे, सिड टॉप 5 पे जरूर अंदर होंगे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे टॉप 5 रेडर्स। तो एग्जांपल में आप समझ लो कि प्रदीप नरवाल का एवरेज रेट पॉइंट्स पर मैच है 9 और सिद्धार्थ देसाई का है 10। तो लीग मैचेस के जब 2400 मैचेस ख़त्म हो जाएंगे तो प्रदीप नरवाल 9 के हिसाब से आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो आता है 216, मतलब 260 रेट पॉइंट्स लेंगे। और वहीं पर सिद्धार्थ देसाई 10 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 240, तो 240 रेट पॉइंट्स लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि नंबर 1 पर रहेंगे सिद्धार्थ देसाई और नंबर 2 पर रहेंगे प्रदीप नरवाल। तो बस ये एक अनुमान है कि एवरेज रेट पॉइंट्स पर मैच ये अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब अभी तक सिद्धार्थ ने एग्जांपल में 7 मैचेस खेले हैं, 70 पॉइंट लिए हैं, तो उनका एवरेज रेट पॉइंट्स पर मैच है 10, तो 10 के हिसाब से हम 24 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा जो भी इतना आएगा उतना हम रेट्स वो लेंगे, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको टॉप 5 रेडर्स बता देता हूँ अभी के वक्त में जो है, और उसके बाद मैं आपको अपने जो स्टेट है उसके बेसिस पर बताऊंगा। तो नंबर 1 पे जो है वो है नितिन तोमर, नंबर 2 पर है सिद्धार्थ देसाई, नंबर 3 पर है तमिल थलाइवास का जय ठाकुर, नंबर 4 पे है प्रदीप नरवाल और नंबर 5 पे है पवन कुमार सहरावत। तो अब मैं आपको इस स्टेट्स के बेसिस पर टॉप 5 रेडर बता देता हूँ। तो अभी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर और इस स्टेट्स के बेसिस पर नंबर 1 पे जो रेडर आता है वो है सिद्धार्थ देसाई। तो इस स्टेट का ये कहना है कि नंबर 1 पे जो रेडर होगा वो होगा सिद्धार्थ देसाई, क्योंकि वो अपने हर मैच में लगभग 14 पॉइंट ले रहे हैं और लीग खत्म होते होते वही होंगे नंबर 1 रेडर, ये कहना है इस स्टेट का। नंबर 2 पर है पवन कुमार सहरावत, ये कहना है इस स्टेट का, क्योंकि पवन कुमार सहरावत अपने हर मैच में लगभग 14 पॉइंट ले रहे हैं, 13 से 14 पॉइंट, तो नंबर 2 पर होंगे पवन कुमार सहरावत और नंबर 3 पर होंगे अजय ठाकुर, ये कहना है इस स्टेट का। और अजय ठाकुर अपने हर मैच में लगभग 11 रेट पॉइंट ले रहे हैं, तो इस स्टेट्स की माने तो नंबर 3 पर होंगे अजय ठाकुर, नंबर 4 पे होंगे प्रदीप नरवाल, ये कहना है इस स्टेट्स का। प्रदीप नरवाल अपने हर मैच में लगभग 11 रेट पॉइंट ले रहे हैं और यही होंगे लीग खत्म होते होते नंबर 4 रेडर। और नंबर 5 पे जो रेडर है वो है मनिंदर सिंह, मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स की तरफ से खेल रहे हैं और वो हर मैच में लगभग 10 से लेकर 11 पॉइंट ले रहे हैं, तो इस स्टेट का ये कहना है कि नंबर 5 पे जो रेडर होगा लीग खत्म होने के बाद वो होगा मनिंदर सिंह। तो गाइज ये तो अभी के परफॉर्मेंस पे थे, ये परफॉर्मेंस चेंज होंगे तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको खुद से प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, कोई भी स्टेट नहीं होगा, किसी के बेसिस पर नहीं, मैं अपने से खुद प्रेडिक्ट करूंगा कि टॉप 10 रेडर्स कौन होंगे लीग खत्म होने के बाद, और वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना।
और वो वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। तो कमेंट्स में लिखकर बताओ आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस वीडियो के लिए, और वहाँ पे मैं आपको खुद से प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि टॉप 10 रेडर्स कौन होने वाले हैं। वहाँ पे कोई भी हो सकता है, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, रोहित कुमार, मतलब मैं वहाँ पर खुद से प्रेडिक्ट करूंगा कि टॉप 10 रेडर्स कौन होंगे। और देखते हैं मैं किसको प्रेडिक्ट करता हूँ, तो उस वीडियो का मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा और आई होप मैं जल्दी उस वीडियो को ला दूं। तो आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यही टॉप 5 रेडर्स इस सीजन के टॉप 5 रेडर्स होने वाले हैं, या फिर आपको जो टॉप 5 रेडर्स लगते हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और बताइए कैसे लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे कभी कबड्डी वाली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।